इस वीडियो में हम पेट्रोल पंप का काम देखेंगे और जहाँ पे इमरजेंसी ओपनिंग भी है वो भी देखेंगे। इसके आउट साइड से पैकेज नंबर 3 चालू होता है जिसका काम L&T कंपनी ने लिया है। यहाँ से L&T कंपनी का काम शुरू होता है। ये वैजापुर तालुके में आता है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे पूरा रोड का काम हो गया है ऊपर का, और जो रिफ्लेक्टर भी होते हैं साइड में वो भी लगा दिया है कंपनी ने। एक साइड में वो रेड और वाइट रिफ्लेक्टर लगाए इधर, और इधर बीच में डिवाइडर के दोनों साइड ऐसे रेडियम लगाए हैं। जहाँ पे ब्रिज है उसके ऊपर सोलर के रिफ्लेक्टर लगा दिए है। मैं अभी नागपुर के साइड जा रहा हूँ। यहाँ से वैजापुर 19 किलोमीटर है, करंजगांव 33 किलोमीटर है और नागपुर 522 किलोमीटर है। इधर एग्जिट का मतलब है जहाँ पे इंटरचेंज है, 19 नंबर का इंटरचेंज है आगे, और करंजगांव में भी इंटरचेंज है उसका 18 नंबर का इंटरचेंज है। इंटरचेंज की काउंटिंग नागपुर साइड से करते हुए आए हैं। यहाँ से शिरडी 29 किलोमीटर है, उस शिरडी का इंटरचेंज 20 नंबर का है, और आगे गोंदे इंटरचेंज है 21 उसका नंबर है। यहाँ पे फोर व्हीलर कार जा सकती है। इधर पूरा रोड का काम फाइनल हो चुका है। अब मैं पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप मुंबई से नागपुर जाने के लिए है। इधर से नीचे उतरेंगे हम, इधर से नीचे ही पेट्रोल पंप है, इसका काम अभी चालू है। ये बहुत ही बड़ा इधर पेट्रोल पंप है। जो लोग नागपुर के साइड जा रहे हैं उनके लिए ही ये पेट्रोल पंप है, और मुंबई की साइड जा रहे हैं उनके लिए उस साइड से अलग पेट्रोल पंप है। इधर की पूरी जगह MSRTC ने ली है पेट्रोल पंप के लिए। ये जो यहाँ पे कंपाउंड किया है वो देखो, आप दूर देख सकते हो, उधर दूर तक कंपाउंड किया है। ये भी जगह ये पूरी कंपाउंड के अंदर की जगह MSRTC की है। इधर अभी पेट्रोल पंप का काम चालू है। ये इधर पेट्रोल पंप है, और जो बाकी जगह है उसके ऊपर MSRTC के कुछ अलग प्लान होंगे। देखो इधर का मशीनरी है, इधर पेट्रोल पंप का काम कर रहे हैं अभी वो। इधर से पेट्रोल MSRTC की जगह ख़त्म हो जाती है, और इधर हम वापस नागपुर साइड के लिए जा सकते हैं इधर से। यहाँ पे है इमरजेंसी ओपनिंग, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है रोड पे इसे ओपन कर दिया जाएगा। इधर बड़ा सा गेट लगा दिया है, ये फोल्डिंग गेट है, और उसके नीचे व्हील लगा दिए है ताकि खोलने में आसान हो और बंद करने में भी आसान हो। ऐसे इमरजेंसी ओपनिंग कुछ कुछ जगह पे बना दिए है। और यहाँ पे ब्रिज है नीचे से अंडरग्राउंड क्रॉसिंग, उसके साइड में ऐसी पत्थर की कोटिंग कर दी है। बारिश का पानी ऊपर रोड पे ना रुके इसलिए रोड के साइड में ऊपर ही ऐसे होल बना दिए ताकि रोड का पानी, बारिश का पानी इसमें आराम से जा सके। ये वीडियो में हम पैकेज नंबर 11 का RE पैनल का काम देखेंगे।